प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता कर सोमवार को होने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर कई सवाल किए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि नानावटी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सिख दंगों में कमलनाथ का हाथ था और वह सिख दंगों में शामिल थे। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कमलनाथ के साथ मंच साझा करेंगे? विश्वास सारंग ने कहा कि मोब लिंचिंग की शुरुआत भी कमलनाथ ने ही की थी, जिसको लेकर आज कांग्रेसी बहुत विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के जिन प्रमुख नेताओं के नाम इस सिख दंगे में आए, उसमें सबसे प्रमुख रूप से कमलनाथ जी का नाम आया। राहुल जी बात करते हैं नफरत की और घृणा की। मैं राहुल जी को ये पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस मंच पर वो बैठेंगे, उस मंच पर उनके साथ कमलनाथ जी भी मंच साझा करेंगे, तो क्या उनको उस समय नफरत और घृणा की याद नहीं आएगी? उन हजारों हजारों सिखों को जिनको सवेरा मार दिया गया था, क्या उनके प्रति संवेदनाएं राहुल जी के मन में जागृत नहीं होंगी? कमलनाथ जी की इस पूरी संलिप्तता को लेकर बहुत सारे प्रमाण भी हैं। नानावटी आयोग जब इसके लिए बना था, उस नानावटी आयोग में वहां के चश्मदीद गवाह रकाबगंज का जो गुरुद्वारा है दिल्ली में, उसमें ये पूरी घटना हुई थी जहां कमलनाथ जी उपस्थित थे और वहां पर चश्मदीद गवाह मुख्तार सिंह सना स्वर्ण सिंह, जिनकी उम्र उस समय 43 वर्ष थी, वो वहां B4 स्टाफ पाकर गुरुद्वारा रकाबगंज में रहते थे और उन्होंने नानावटी आयोग के सामने एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को प्रमाणता के साथ लिखा था कि जब रकाबगंज में ये दंगा हुआ, उस समय बड़ी भीड़ के साथ कमलनाथ जी और वसंत साठे जी, जिनको मैं पहचान पाया, उन्होंने लिखा है कि जिनको मैं पहचान पाया उसमें कमलनाथ जी और वसंत साठे थे और जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया। मीडिया के माध्यम से ही जगदीश टाइगर का एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे दंगों के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है वो कमलनाथ जी हैं। उसके साथ ही इस पूरे दंगे को लेकर बीच में ये बात भी हुई, क्योंकि प्रश्न आएगा तो मैं उससे पहले ही ये बात करूं, क्योंकि कमलनाथ जी ये कह चुके हैं कि नानावटी आयोग में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं निकला है। तो मैं ये बात संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नानावटी आयोग के बाद जस्टिस ढींगरा की जो SIT है उसमें अभी भी जांच चल रही है और कमलनाथ जी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। तो मैं राहुल जी से सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो कमलनाथ जी जिन्होंने इस देश में सबसे पहले मॉब लिंचिंग की शुरुआत की, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता छाती पीट पीट कर आजकल बातचीत कर रहे हैं, वो मॉब लिंचिंग और बल्कि ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई लिंचिंग के सबसे बड़े किरदार कमलनाथ के साथ, क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंच साझा करेंगे? भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ राम पवार की रिपोर्ट।